हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो के अंदर। और गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है, तो यार इसको फुल वॉच जरूर से कर लेना। गाइज, इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है अपना बेस्ट गन कॉम्बिनेशन फॉर रैंक पुश फॉर न्यू सीजन 29। जी हाँ गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है परसों अपना न्यू सीजन आया था 29, तो गाइज रैंक पुश के लिए आपको बढ़िया सी गन कॉम्बिनेशन इस वीडियो में प्रोवाइड होने वाली है, तो यार वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो यार वीडियो को फुल देखना, और जो भी भाई हमारे चैनल पर यार पहली बार आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो यार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई। हम 15,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, तो यार प्लीज सपोर्ट अपना दिखाना। बाकी गाइज, ये रैंक पुश टिप्स एंड ट्रिक्स का एक पॉइंट हो जाता है अपना बेस्ट गन कॉम्बिनेशन। जी हाँ गाइज, अगर आप गन कोई जो बढ़िया गन है इफेक्टिवली डैमेज वाली गन यूज नहीं करेंगे तो आप रैंक पुश नहीं कर सकते, आप अपनी रैंक पुश नहीं कर सकते। इसलिए यार ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी जबरदस्त होने वाली है। गाइज, वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो बढ़िया गन कॉम्बिनेशन हो जाता है रैंक पुश के लिए, बीआर रैंक पुश के लिए, वो हो जाता है अपना स्कार के साथ। अगर एक स्कार यूजर है अपने एआरएमओ मतलब एआर असॉल्ट राइफल में, अगर आप स्कार चलाते हैं, स्कार को यूज करते हैं बढ़िया, तो गाइस स्कार के साथ आपको कॉम्बिनेशन 5 के साथ, जी हां गाइस MP5 के साथ आपको अपना गन कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट करना है। MP5 अगर आपको बूस्टर वाली मिल जाए मतलब चिप वाली, तो वो सबसे सबसे बेस्ट है स्कार के साथ, तो जरूर से जरूर ये पहला बेस्ट गन कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसको यार ट्राई करके देखना, जब तक ट्राई करके नहीं देखोगे जब तक आपको इसका रिजल्ट मालूम नहीं पता जाएगा। यू सेकंड गन कॉम्बिनेशन अपना वुड पीकर के साथ हो जाता है। जी हाँ गाइस, वुड पीकर के साथ जो आपको गन यूज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट गन, जी हाँ गाइस M1887, बिल्कुल सही सुना आपने, अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। वुड पीकर के साथ आपको इसका कॉम्बिनेशन बनाना है M1887 के साथ, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत इफेक्टिवली है। तो गाइस बात कर लें, अगर आप एक स्नाइपर हैं, स्नाइपर यूज करते हैं ज्यादातर अपने रैंक पुश गेम प्ले में, तो यार इस AWM स्नाइपर के साथ अगर आपको कोई शॉर्ट रेंज की गन यूज करनी है, तो गाइस MP40 से बढ़िया कोई गन नहीं है शॉर्ट रेंज में AWM के साथ कॉम्बिनेशन के लिए। जी हाँ गाइस, MP40 आपको जरूर से जरूर यूज करनी चाहिए, जो कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, मैं जरूर रिकमेंड कर रहा हूं आपको AWM के साथ MP40 का कॉम्बिनेशन आपको बनाना चाहिए, और बढ़िया तरीके से रैंक पुश अपनी करनी चाहिए। सो दोस्तों, अपनी असॉल्ट राइफल M4A1 की बारी आ जाती है। ये गन बहुत से प्लेयर्स यूज करते हैं फ्री फायर गेम में, क्योंकि जब इसको थर्ड चिप तक आप जनरेट कर देते हैं, तो यार ये जो M4A1 है ना बहुत ही धासु चलती है। जी हाँ गाइस, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन आप सबको क्या नाम है चाहिए ही होगा, तो यार इसके साथ भी कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन अपना UMP का हो जाता है। जी हाँ गाइस, UMP का सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, M4A1 के साथ UMP गन आप चला सकते हैं, क्योंकि दोनों गनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज में काफ़ी बढ़िया चल जाती हैं। तो यार बढ़िया कॉम्बिनेशन है, एक बार ट्राई करके जरूर देखना, और यार वीडियो को शेयर करते रहो। जितने भी दोस्त हमारी वीडियो को देख रहे हो, एक साथ लाइक का बटन दबा दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिनके साथ भी आप रैंक पुश करते हैं अपने स्क्वाड मेट्स के साथ। तो गाइज, अब बात कर लें अपने AK-47 की। अगर आप एक AK-47 यूज़र हैं, असॉल्ट राइफल यूज़र हैं, तो यार AK-47 के साथ पहले से चला आ रहा है सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन, जो कि अपना हो जाता है M1014 के साथ। जी हाँ गाइज, शॉर्ट गन के साथ AK-47 का बढ़िया जो है कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है, इसलिए यार इसको आप जरूर ट्राई करके देखना। पूजा गन के साथ आपको कौन सा कॉम्बिनेशन है जो बनाना चाहिए, जिससे आप रैंक पुश इजीली कर पाएं अपने न्यू सीजन 29 में, इजी तरीके से हीरोइक है जो मास्टर रैंक ग्रैंड मास्टर तक पहुंच पाए। तो यार आपको ग्रोजा के साथ मैं आपको बता देता हूं कौन सी गन आपको यूज करनी है। भाइयों, आप ग्रोजा के साथ जो है MAG-7 के साथ जा सकते हैं। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल न्यू बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपको लोगों के लिए जो है ग्रोजा प्लस MAG-7, तो ये बहुत बढ़िया गन कॉम्बिनेशन, क्योंकि लॉन्ग रेंज प्लस शॉर्ट रेंज काफ़ी बढ़िया है, तो इनको भी ट्राई करके जरूर देखना। अभी तक मैंने आपको 6 जो है बेस्ट गन कॉम्बिनेशन अभी तक बिल्कुल लेटेस्ट प्रोवाइड करें, तो यार इसी बात पर जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो जरूर से लाइक का बटन दबा दें, चैनल पर अगर हम पहली बार आएँ तो जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो भाइयों, एक गन कॉम्बिनेशन मैंने पैराफिल गन के साथ भी आप लोगों के लिए क्रिएट कराया। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने, पैराफिल गन के साथ कौन सा जो है बेस्ट गन कॉम्बिनेशन हो जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यार वो हो जाता है अपना UMP। जी हाँ गाइस, पैराफिल के साथ भी आप UMP का जो है गन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, काफी बढ़िया है, दोनों ही गन बहुत ही इफेक्टिवली है, काफी जबरदस्त गन है, तो जरूर से जरूर यार गन कॉम्बिनेशन इनका आप ट्राई करके देखना, जितने भी आपको अभी तक मैंने बढ़िया से बढ़िया गन कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करे हैं वीडियो में। गाइज, अब बात कर ले अपनी मार्क्समैन राइफल जो कि AC-80 हो जाती है, इसके साथ आपको कौन सा जो है गन कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, कौन सी गन इसके साथ जो है कॉम्बो में रखनी चाहिए, वो भी यार मैं आप
आपको बता देता हूं यार, आपको SMG रखनी है। जी हां गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने, SMG में कोई से भी गन रख सकते हैं, चाहे MP5 रखें, चाहे अपनी UMP, चाहे MP40। जी हां गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा AC-80 गन के साथ आप MP40 का जो है गन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जी हां गाइस, बिल्कुल सही गाइस। अगर आप एक मशीन गन के जो है शौकीन है, मशीन गन को चलाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि M60 आप मान सकते हैं, M60 के साथ आपको कौन सा गन कॉम्बिनेशन रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। जितने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा यार, लाइक कर दो, किसका वेट कर रहे हो। इतने बड़े बड़े आपको गन कॉम्बिनेशन है जो वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आपकी रैंक पुश में हेल्प हो सके, तो यार जरूर से सपोर्ट दिखाओ यार अपना। तो गाइज M60 के साथ आपको मैं आपको बताता हूं, M60 जो है बहुत लॉन्ग रेंज में बढ़िया चल जाती है, तो आपको एक शॉर्ट रेंज की गन चाहिए जो बढ़िया शॉर्ट रेंज में ही चले, तो शॉर्ट गन से बढ़िया गन और कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि M60 के साथ आप जरूर से जरूर जो है M10-14 के साथ ही जाएं। जी हां गाइस, इसके साथ गन कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट कर पाएं, गन कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट कर पाएं, क्योंकि M60 है ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रेंज में फायर करेगी, और जो M10-14 वो शॉर्ट रेंज में सबसे बेस्ट है। इसलिए जरूर से जरूर इनका गन कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना। सो गाइज, अब बात कर लें अपनी M14 गन की। जी हाँ गाइज, असॉल्ट राइफल में बढ़िया गन जो चिप वाली आ जाती है वो हो जाती है अपनी M14, क्योंकि इसका डैमेज ज़्यादा हो जाता है। डैमेज की वजह से इसके साथ जो गन कॉम्बिनेशन है वो आपको थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन आता होगा कि इसके साथ हम कौन सा गन कॉम्बिनेशन है जो रखें। तो मेरी बात मानिए, आपको M14 के साथ जो गन रखना है तो दो गनों में से ही रखिए, या तो MP5 रखिए या अपनी UMP रखिए, क्योंकि ये दोनों गने इसके हिसाब से M14 के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी परफेक्ट हैं। तो UMP की तरफ भी जा सकते हैं आप, MP5 की तरफ भी जा सकते हैं। अगर MP5 की तरफ जाएंगे तो दोनों ही गन जो है बूस्टर वाली चिप वाली हो जाएंगी, और दोनों मैक्स हो गई 3-3 लेवल पर, तो यार आना कोई प्लेयर नहीं रहेगा फिर गेम के अंदर। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत से बढ़िया बेस्ट गन कॉम्बिनेशन आपको मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करे, तो यार अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर देना याद से।